जय हिंद दोस्तों। ईसीएचएस में मेडिकल क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करते हैं? आपने जो मेडिकल क्लेम किया है उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ईसीएचएस की वेबसाइट में आना है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईसीएचएस की वेबसाइट में आने के लिए आपको टाइप करना है गूगल में 64 KB ईसीएचएस कार्ड। जैसे ये टाइप करेंगे तो नया पेज खुलेगा, इसमें आप देखेंगे अगर ईसीएचएस आपको कार्ड बनवाना है या ईसीएचएस के कार्ड जो बने हैं उसमें आपको अपने डिटेल देखनी है कि आपके कौन कौन से कार्ड मिल गए हैं, कौन कौन से आ गए हैं। तो पहला ये देखेंगे ईसीएचएस ऑनलाइन 64 KB स्मार्ट कार्ड, इसमें क्लिक करके आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना खोल सकते हैं, सारे स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको चेक करना है कि आपका मेडिकल क्लेम आया कि नहीं आया, तो इसमें देखेंगे https://echs.gov.in पर आप दूसरे नंबर पर क्लेम क्लिक करेंगे ईसीएचएस की वेबसाइट पे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज आपका खुलेगा, ईसीएचएस का पेज होगा, जिसमें कि आपको क्लिक ओके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है यूजफुल लिंक में। ये यूजफुल लिंक में आएंगे, इसमें आप देखेंगे नीचे लिखा होगा इम्पैनल हॉस्पिटल डिटेल। इम्पैनल हॉस्पिटल डिटेल में क्लिक करेंगे, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको ये पेज खुलेगा, इसमें आप देखेंगे फॉर इंडिविजुअल रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम, यानी कि इसमें मेडिकल क्लेम का आप स्टेटस चेक करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे क्लिक हियर में, जैसे क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आपको क्या क्या पहले तो पता होना चाहिए कि मेडिकल क्लेम करने के लिए आपको क्या इसमें भरना पड़ेगा। सबसे पहले तो कार्ड नंबर भरना है जिसका मेडिकल क्लेम हो रहा है। अगर फादर का मेडिकल क्लेम कर रहे हैं तो फादर का कार्ड नंबर होना चाहिए, या फिर आपका अगर हो रहा है एक्स सर्विसमैन का तो एक्स सर्विसमैन का, बच्चे का हो रहा तो बच्चे का कार्ड नंबर, 12 डिजिट का जो ईसीएचएस कार्ड नंबर है 64 KB का वो इसमें डालना है। इसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल आपने जो कार्ड बनवाया था उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है। ये दोनों रजिस्टर्ड आपके होने चाहिए, एक दूसरे में मैच होने चाहिए, यानी कि वो अटैच होने चाहिए। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा और सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है 12 डिजिट का कार्ड नंबर डालना है 64 KB का, और मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपका रजिस्टर्ड है। इसके बाद कार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर आर करेक्ट, अगर करेक्ट है तो उस पे ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। इसके बाद इफ कार्ड नंबर मोबाइल नंबर आर नॉट कनेक्ट नहीं है तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, इसलिए वो मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए। इसके बाद एक मंथ में आपको 4 IPD क्लेम का सबमिशन दे सकते हैं और इसकी सबमिट कर सकते हैं, यानी कि 4 क्लेम 1 महीने में कर सकते हैं आईपीडी का, ओपीडी के 4 क्लेम कर सकते हैं 1 महीने में। इन ए मंथ ऑफ ओनली 8 फार्मेसी बिल आर बी इन सबमिटेड ऑनलाइन, यानी कि 8 फार्मेसी बिल आप 1 महीने में भर सकते हैं, आईपीडी के 4, ओपीडी के 4। तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल दी है, आपके ओपीडी के कौन कौन से हो सकते हैं, फार्मेसी कौन से, आईपीडी कौन से है, तो इस तरह से आप डाल के भर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।